आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दिया है कविता किसी काम को 5 दिन में कर सकती है जबकि सरिता और कविता मिलकर 3 दिन में पूरा कर सकती है, तो सरिता उस काम को कितने दिन में करेगी? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमें 3 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 6 से 1/2, तीसरा ऑप्शन 7 से 1/2 और चौथा ऑप्शन हमें 9 दिया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कविता की, तो कविता इस काम को कितने दिन में कर देती है? ये अकेली इस काम को 5 दिन में कर देती है। और अगर हम दोनों की बात करते हैं तो दोनों इस काम को कितने दिन में कर देती हैं? कविता और सरिता 3 दिन में कर देती हैं। तो हम इसे काम मान लेते हैं 15 हैं। अगर कुल काम 15 हैं तो कविता का 1 दिन में किया गया काम कितना रहा है? 3 रहा है। ये इसकी अक्षमता हो जाएगी। अक्षमता का मतलब हो जाता है 1 दिन में किया गया कार्य, तो 3 हो जाएगा। और अगर दोनों के द्वारा देखते हैं तो 1 दिन में कितना काम ये करती हैं? तो ये 5 करती हैं। तो अगर कविता प्लस सरिता अगर आप देखते हैं 1 दिन का काम, कविता प्लस सरिता का 1 दिन का काम आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 5 है। कविता का 1 दिन का 3 है तो सरिता का कितना रहा होगा? हम देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा सरिता का काम, तो यहाँ पर सरिता लिख लेते हैं और बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 5। तो सरिता का 1 दिन का काम हमारे पास हो जाएगा 2। सरिता 1 दिन में कितना काम करती है? 1 दिन का काम बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 - 3 = 2। 1 दिन का काम अगर 2 है तो इसको कितना समय लगेगा? तो इस काम को करने में जो समय लगेगा वो बराबर है, कुल काम है 15, 1 दिन में करती है 2, तो ये हमारे पास लग जाएगा 7.5 दिन। तो 7.5 दिन में सरिता इस काम को पूरा कर देगी अकेले। इस प्रश्न का उत्तर रहा है। अगर ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का सही उत्तर। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।